अपना तोता लेकर आ, अभी पता चल जाएगा। है जी। अरे कूड़ मगज औरत, अभी तो बताया कि तोता तेरे मोबाइल को कह रही। डेढ़ घंटा तो लगेगा कम से कम, और वो भी गाड़ी बहुत तेज भगाने पे। अरे नहीं नहीं, डेढ़ घंटे की जगह 2 घंटे लगा लीजिएगा, मगर गाड़ी एहतियात से चलाएं। ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों बाप बेटे मिलके हमको बेवकूफ बना रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, ऐसा कोई एक्सीडेंट हो ना। और लालिमा ये भी तो हो सकता है ना कि छोटी बेबी इस हवेली से निकलने की कोई साजिश कर रही हो। उन जालिमों ने मेरी बेटी को हवेली में कैद कर रखा है, उसे आने नहीं देते। उसका बाप मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। खुदा के लिए मेरी बेटी, एक मुलाकात उसके बाप से कर पा दो, प्लीज प्लीज, कुछ भी कर, कुछ भी। ये समरा को उसके बाप के मुतल्लिक कोई खबर तो नहीं मिली? नहीं लालिमा, बिल्कुल भी नहीं। उसे कोई शक भी नहीं हुआ? जमाने आपकी पक्की मुरीद नहीं है लालिमा, काम ऐसे सफाई से करती है, शक तो क्या, शक की गुंजाइश भी बाकी नहीं रहती। ये हवेली के सारे फोन? वो तो मैंने रातों रात ही काट डाले थे लालिमा। हाँ, एक फोन चीखा जरूर था, लेकिन मैंने मौके पे पहुंच के उसका भी टेटवा दबा डाला। वो जुलेखा का तोता? वो तो जी अल्लाह के फजल करम से मेरे कब्जे में है। बड़ी कमीनी हो गई है। क्या बात है, आज बहुत बुझी बुझी सी लग रही हो। आपने मुझे खुशबाश कब देखा है? जब फहद से तुम्हारी शादी हुई थी, जब तुम्हें वो घुमाने फिराने के लिए बाहर लेके जाता था, और तब भी जब वो तुम्हें मुझसे बचाने के लिए रोज झूठ बोलता था। फहद के साथ साथ मेरी सारी खुशियां भी कब्र में चली गई। समरा, सिर्फ तुम्हारी खुशियां नहीं, हमारी भी। अपने साथ हमारी खुशियां भी ले गया, लेकिन मैंने तुम्हें कल बहुत खुश देखा। कल? हाँ, जब तुम्हारे बाबा आए थे, और उनके जाने के बाद भी तुम बहुत खुश थी। जाहिर है, मेरे से कोई भी आए तो इतनी खुशी होती है, और तो फिर मेरे बाबा है। इनफैक्ट वो मेरे बाबा नहीं है, मेरे दोस्त हैं, सबसे अच्छे वाले दोस्त। बचपन से लेकर अब तक कभी मुझे कोई तकलीफ होती थी ना, कोई चोट लगती थी, तो
अम्मी फिर भी इग्नोर करवा देती थी, कहती थी बी ब्रेव, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे बाबा को मुझसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, वो मेरी तकलीफ महसूस कर सकते हैं। इसीलिए जब वो कल आए थे ना, उन्हें देख के मैं इतनी खुश हो गई थी, मुझे इतना अच्छा लगा था, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके पास चली जाऊं बस जल्दी। बहुत प्यार करती हो तुम अपने बाबा से, बहुत का लव्स बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है मेरे प्यार के सामने। मैं बस उतना ही प्यार करती हूँ जितना फहद आपसे करता था। क्या कर रही हो बीबी जी? क्या कर रही हो तुम यहाँ? सफाई कर रही हूँ। तुम्हें कितनी दफा समझाया है, जब दो बड़े बात कर रहे हो वहां मत नजर आया करो। 10 दफा समझाना पड़ेगी एक बात। जाओ यहां से। जी बीबी जी। सुलेखा जी, मेरे कमरे की सफाई कर दो। जी बीबी जी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने कमरे में सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँ, बहुत थक गई हूँ। क्या कहना चाह रही थी वहां तो मुझे? बाजी, आपको किसी साजिश की बू नहीं आ रही? साजिश? जी हाँ, सुबह से हवेली में जमानी ऐसी चौकस चुड़ैल बनकर घूम रही है जिससे किसी भी वक्त किसी का भी कलेजा निकाल कर खा जाएगी। जमानी तो है ही ऐसी। कोई अजीब बात हुई क्या? मुझे तो सब कुछ ही अजीबोगरीब सा लग रहा है। सब कुछ मसलन? जी बीबी जी, सुबह जमाने ने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया। छीन क्या लिया, बल्कि चोरी कर लिया, वो भी पूरी दीदा दलेरी से। क्यों? क्योंकि उसको शक है कि आप मेरे मोबाइल से छुप छुप कर अपनी माँ से बातें करती हैं। लेकिन मैंने तो सिर्फ एक दफे बात की अपनी अम्मी से। चोरी एक आने की हो या 1 लाख की, चोरी तो चोरी होती है ना बीबी जी। बस यही बात बतानी थी। नहीं बीबी जी, एक बात और बतानी थी। आज सुबह मैंने खुद जमानी और लाली माँ को बातें करते हुए सुना। दोनों आपस में ऐसी बातें कर रही थी जैसे दो जंगली कबूतरियां आपस में गुटरगू कर रही हों। इसमें कौन सी नई बात है? जमानी खास बंदी है लाली माँ की। बीबी जी, एक और नई बात बतानी है। मैंने सारी बातें तो नहीं सुनी, लेकिन जो भी सुना उसमें आपका जिक्र था, आपके बाबा का भी, और ये ताकीद भी की कि ये बात आपसे छुपाई जाए। बाबा के बारे में कोई बात? ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो जमानी और लाली माँ मुझे नहीं बताना चाहती? बीबी जी, ये तो अल्लाह ही जाने, बस आप होशियार रहिएगा। सर, समरा के घर वाले कल से आपको पागलों की तरह कॉल कर रहे हैं। Thank you.
देखो मेरी बात सुनो, तुम मेरी बहू की दोस्त के भाई हो, बहुत दूर का रिश्ता बनता है, बल्कि मेरे नजदीक तो कोई रिश्ता है ही नहीं। इसलिए हमारे घर की इज्जत का नाम अपनी जबान पर मत लाओ। इना को चाय पानी पूछ ले। सर, सर आपके समधी नजब अंकल का एक्सीडेंट हुआ है, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह, बड़ा जुल्म हो गया है। सर उनके घर में कोई और मर्द नहीं है, मेरा मतलब है आंटी हॉस्पिटल में, वरना वो खुद आती। नहीं, उनको अपने शौहर की खिदमत करनी चाहिए, उन्होंने यहाँ आकर क्या करना था। सर आप अपनी बहू को उनके वालिद से मिलने की इजाजत दे दें प्लीज। ये बाप बेटी की शायद आखिरी मुलाकात हो, और मैं इसीलिए आपकी तरफ आया हूँ आपसे इजाजत मांगने के लिए। और मैं समझा तुम्हारे आने का मकसद। सर अंकल के पास बहुत कम वक्त है, अगर आप इजाजत दे तो, समरा मेरी बहन जैसी है, मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। क्या करते हो तुम? जी सर, मतलब पुलिस में हो, आईजी हो, फौज में कोई कर्नल वगैरह हो? जी नहीं सर, मैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ। तो लगता है जवान, तुम्हारा कभी किसी बड़े खानदान से वास्ता नहीं पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। चलो जाने की तैयारी करो। सर यानी कि आप एक बेटी को उसके बाप से मिलने की इजाजत भी नहीं देंगे? इजाजत तो क्या, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब भी नहीं दूंगा। इनको बाहर ले जाओ। सर, सर मेरी बात तो सुने सर, प्लीज सर। हकीम, प्लीज सर। हकीम, प्लीज। बाजी, 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 आपके मैके से कोई बंदा आया है। क्या? मेरे बाबा आए होंगे, उन्होंने मुझसे वादा किया था वो आए। नहीं बाजी, वो तो नहीं है, कोई और है। कोई और कौन? ये तो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि साईं के गार्ड्स उसको हवेली से धक्के देकर निकाल रहे थे। जमानी, बहू को हटा इसके सामने से। जी लाली माँ। इधर आ। जमानी, ले जा इस मनहूस को और कोठड़ी में बंद कर दे। नहीं लाली। चल रही, चल चल, उठ चल आगे।
चल। कितने खुश रहते थे हम लोग सब। ये है मेरी बेटी समा, मेरी एक ही बेटी है। कितने खुश थे हम लोग, हर वक्त इसकी कहकहे गूंजते रहते थे। फिर इसकी शादी हो गई आज सुल्तान से, और फहद की डेथ हुई तो उसके बाद उसके ससुराल वालों ने इसे हवेली में कैद कर दिया। अब तो फोन पे बात भी नहीं करने देते। अब देखो देखो तो उसके बाप की क्या हालत है, उसके बावजूद उसको नहीं आने देते। मैं क्या करूं, प्लीज हमारी मदद कर दो। देखो देखो उसके बाप किस हाल में पड़े हुए हैं, कुछ तो करो प्लीज। हाँ ठीक, देखिए मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी फैमिली के साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आंटी ये तो आपका बहुत पर्सनल फैमिली मैटर है, मेरा नहीं ख्याल इसमें किसी भी अजनबी को दखल अंदाजी करनी चाहिए। और वैसे भी आंटी मैं कोई सोशल वर्कर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपका गम बांटने के लिए आपके साथ बात करने के लिए आ गया था। तुम जबानी जमा खर्च करते, शुक्रिया, जीते रहो। आंटी सुहेल भाई की कॉल आई थी, वो सुल्तान असफर मिल गए थे भाई को, उन लोगों ने भाई के साथ बहुत बदतमीजी की, उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और समरा से मिलने भी नहीं दिया। मैं किसके पास जाऊंगी इससे को यार। मेरे मौला, तो आप ये कह रही है कि मैं कैद की आदत डालूं? चले आपको मुझसे हमदर्दी तो है। तेरा कहने का मतलब है कि हम समरा को बेहोश कर दें ताकि वो ये खबर सुन ना सके। रुकिए, आपने आंटी को क्या जवाब दिया? वही जो सच है। और वो सच क्या है? यही कि आप लोगों का फैमिली मैटर है और इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सही, आप उन्हें झूठी तसल्ली ही दे देते। अंकल के पास वक्त बहुत कम है और ऐसे में आंटी को उम्मीद और हौसले की जरूरत है। देखिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो मेरे बस में ना हो।
डॉक्टर काजिम ने आपकी बहुत तारीफ की थी, मगर अफसोस हो ये सुनकर कि किसी को झूठी तसल्ली देना भी आपके बस में नहीं। थैंक यू। सॉरी, मैं कोई मदद कर सकता हूँ? भाई साहब, ये हमारा आपस का मामला है, मेरे हस्बैंड ने। आई एम सो सॉरी। फाद सुल्तान, चलो भाई हटो, चाय। ओह थैंक यू। और पी कर बताओ क्या चीनी ठीक है? परफेक्ट। अच्छा एक बात पूछूं सारंग? जरूर पूछें। और अम्मी प्लीज, आप पूछने से पहले इजाजत मत लिया करें, आप बेधड़क पूछें। जब से सुल्तान असफंदियार ने तुमसे राब्ता किया है ना, मैं डर सी गई हूँ, इसलिए तुमसे बात करने से पहले डर जाती हूँ। आप मत डरे अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ, मैं किसी सुल्तान असफंदियार को नहीं जानता, ना ही जानना चाहता हूँ। थैंक यू, जीते रहो। पूछने लगी थी आप? हाँ, मैं पूछ रही थी कि उन्हों उसने फिर तो तुमसे राब्ता नहीं किया? एक बार फोन आया था उनका, मैंने उनसे कह दिया कि मुझसे राब्ता करने की जरूरत नहीं है। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि सुल्तान ने तुमसे राब्ता क्यों किया, डायरेक्ट तुमसे मुलाकात क्यों की? तुमसे मिलने से पहले उसने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? तो क्या आप ये चाहती थी कि वो आपसे मिले? मैं हरगिज नहीं, पता नहीं। पता नहीं मतलब? तुम्हारी मां बनकर सोचूं तो मैं उससे कभी नहीं मिलना चाहूंगी, कभी भी नहीं। और सुल्तान असफंदियार की बीवी क्या चाहती? सच कहूं तो दिली दिल में कहीं ना कहीं मैं ये चाहती जरूर हूं,
कि मुझ पर जुल्म और ज्यादती करने वाला मेरे सामने पशेमान होकर हाथ जोड़कर अपने जुल्म और ज्यादतियों की माफी जरूर मांगे। कुछ भी है सारंग, हूं तो मैं एक इंसान, कमजोर सी इंसान, चाहूंगी तो यही कि मुझ पर जुल्म और ज्यादती करने वाला मुझसे माफी मांगे। और फर्ज करें अम्मी कि वो वाकई आपके सामने आ जाता है, क्या आप उसे माफ कर देंगे? माफ? हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। मैंने अपने एक आदमी को अस्पताल पता करने के लिए भेजा है, थोड़ी देर में झूठ सच का साफ पता चल जाएगा। झूठ हो या सच, वो यहां से नहीं जा सकती, मैं उसको नहीं जाने दूंगी, और खास तौर पे इस हालत में दो बातों सवाल ही पैदा। लो पानी पियो। अब जी कुछ हल्का हुआ? नहीं, और होगा भी नहीं। हाँ, यहाँ हवेली में रहने वाली औरतों का जी कभी हल्का नहीं होता, या वो मेरी तरह आधी हो जाती हैं, या लाली माँ की तरह पत्थर। मुझे अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? सुहेल भाई शहर से आए थे, खुदा ना खास तो कोई इमरजेंसी ना हो। आप प्लीज एक दफा मेरी अम्मी से बात करवा दीजिए। लेकिन कैसे? आपके पास फोन नहीं है? तुमने कभी देखा मेरे पास? तो लाली माँ से कह दीजिए आप कि मुझे अम्मी से बात करनी है, वरना। तुम लाली माँ को धमकी देना चाह रही हो? धमकी नहीं दे रही, ऐसे रही यहां पे तो रोते रोते मर जाऊंगी, वरना रहते रहते हम पागल हो जाऊंगी मैं। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं जानती हूं। तुम्हें पता है औरत जब मां बनने वाली होती है ना, तो अल्लाह उसको बहुत बहादुर बना देता है। हर रोज हर लम्हा जो गुजर रहा होता है ना, वो उसको अपनी सारी अनायतों से नवाज देता है। अल्लाह अपनी सारी ताकत और अपनी सारी मोहब्बत उसमें भर देता है। जहां सांस लेने के लिए खुली फिजा ना हो, जहां मुझे मेरे अम्मी बाबा से मिलने की इजाजत ना हो, कहां से आएगी ताकत और हिम्मत? आप खुद बताएं। और ये मीठी मीठी बातें आप मुझे बहलाने के लिए कह रही हैं कि मैं बहल जाऊं? चल, आपकी खुशी के लिए मैं मान लेती, बहल जाती। आज के बाद मैं खुद को ताकतवर और बहादुर महसूस करूं।
सुनो, तुम खुश रहने की कोशिश करो। तुम्हें इस तरह देख के मुझे तकलीफ होती है। तो आप ये कह रही हैं कि मैं कैद की आदत डालूं? चले, आपको मुझसे हमदर्दी तो है, इसी बात पे खुश हो जाती। मजबूरन ही सही, लेकिन हमदर्दी है तो सही ना। वरना तो सिर्फ जुलेखा ही थी जो मुझसे कुछ बातें कर लेती थी, तो वो भी नजर नहीं आती है। पता नहीं इस हवेली की रिवायत उस मासूम के साथ क्या करेंगी। हाँ, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, कम से कम उसी की मदद कर दीजिए। आज मैं काजम से मिलने हॉस्पिटल गया। अजीब सी बात हुई, एक खातून मिली मुझे, नहायत परेशान थी और सुल्तान असमियार को कोस रही थी। खातून? कौन खातून थी वो? पता नहीं, मैं जानता नहीं था उन्हें। उनके मियाँ किसी रोड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे और उस वक्त आईसीयू में एडमिट थे। हाँ, लेकिन इससे सुल्तान असमियार का क्या ताल्लुक? वो खातून ये कह रही थी कि उनकी बेटी सुल्तान के घर में है और वहाँ पर उन लोगों ने उसे कैद किया हो, यहाँ तक कि वो उसे अपने बाप से आखिरी मुलाकात तक नहीं करने दे रही। मैं समझी नहीं। वो लड़की सुल्तान की बहू है। हाँ, लेकिन इस सारे मामले में तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, बस मुझसे वो बात कर रही थी, मुझसे मदद मांग रही थी और कह रही थी कि अगर मैं सुल्तान से बात करूं। तो तुमने उसे बता दिया कि वो तुम्हारा बाप? नहीं, बिल्कुल नहीं बताया, वो तो बस मुझसे शेयर कर रही थी। अब आप बताएं क्या करना चाहिए। चलो सुबह बात करते हैं, अभी तुम आराम करो। चलो ठीक है। हमसे मत पूछो क्या हाल दिल था, क्या हाल दिल है, जीत के आए हार ये मन की, तुमको पता था हमको पता है, रस्मों के घेर है जुल्म ही बड़े, जुल्म कई हजार है।
हलीमा, उसके बाप का एक्सीडेंट ड्रामा नहीं था, सच था, और अब तो वो गुजर भी गया। इलाही खैर लालिमा, अब क्या होगा? सोच सोच के पागल। अगर इस हालत में उसको ये खबर सुना दी और खुदा ना खास्ता वो गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी तो हमारे बच्चे को, अल्लाह ना करे लालिमा कि ऐसा कुछ हो। जाने वाला तो चला गया लेकिन जो आने वाला है उसकी हिफाजत हमको करनी होगी। मगर कैसे? तो सोच सोच के मेरे दिल में हौल उठ रहे हैं। हलीमा, अगर आप दिल पक्का करें ना तो मैं आपको एक बात कहूं। बोल, अगर इस वक्त तू कोई मस्बत मशवरा देगी तो मैं तुझे तो क्या, तेरी आने वाली नस्लों को मालामाल कर दूंगी। बोल। हलीमा, आप तो जानती है ना मेरा बाप कितना जालिम आदमी था। मेरी माँ को हर वक्त मारता पीटता रहता था वो, साथ मुझे और मेरी बहनों को भी लाठियों सोटियों से कूटता था। अरे तू इस वक्त अपने मरे हुए बाप का किस्सा क्यों सुना रही है मुझे? लाली माँ मेरी बात तो सुने ना। जिन दिनों मेरे बाप का ज्यादा दिमाग खराब होता था लाली माँ, तो मेरी माँ उसे खास किस्म की दवाई कभी दूध में कभी खाने में मिला के पिला देती थी। दवाई? हाँ लाली माँ, ये खास किस्म की दवाई जिसको पीने से वो कई कई दिन तक अपनी खाट पे पड़ा रहता था। ना उसे खाने का होश रहता था ना पीने का। लाली माँ, मुझे वो दवाई बनानी आती है, अगर आप कहें तो। तेरा कहने का मतलब है कि हम समरा को बेहोश कर दें ताकि वो ये खबर सुन ना सके। जी लाली माँ। गलीज हरकत करने से बेहतर है लालिमा कि आप उसको ये खबर सुना डालें, चाहे फिर वो मर जाए या इस हवेली का वारिस।